हेलो गाइस, राम राम सभी को। आज हम बना रहे हैं गूंद के लड्डू। गूंद और बुबड़े, बुने हुए जो बुबड़े होते हैं उसका आटा हमने घर पे मंगा के नहीं पीसा था, लेकिन इस मार्ट से हम पीसा पीसा मिल गया था बुने हुए बुबड़े का आटा और साथ में बेसन। ये देखिए, सबसे पहले हमने कढ़ाई में घी डाला, उसके बाद देसी भैंस का घी है, बिल्कुल प्योर देसी भैंस का घी है, मेरी बहन के घर से मंगाया था। और ये देखिए, यहाँ पे हमने बेसन को घी में इस तरह से हम भून लेंगे। जब तक ये भून के रेडी नहीं होता, जब तक इसको ऐसे घुमाते रहेंगे, अगर हम इसको नहीं घुमाएंगे तो नीचे लग जाएगा, कढ़ाई में जल जाएगा, उससे टेस्ट खराब हो जाएगा। तो आप बताना आप कैसे डालते हो, पहले मेरी रेसिपी को देखो। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना। तो गाइज, यहाँ सर्दी का टाइम है भाई, सर्दी में सभी डालते हैं गूंद के लड्डू, हमने थोड़ा सा लेट कर दिया। तो ये देखिए, इस तरह से पहले बेसन को भून लेंगे और जो चने का आटा होता है, भुने हुए चने का आटा, उसको भी हम वो भुना भुने हुए चने का आटा था, भुना हुआ था, उसको नहीं भुनेंगे हम, बस खाली बेसन को भून लेंगे ताकि बेसन हमारा कच्चा ना रहे। जब ये भून के रेडी हो जाएगा तो इसमें थोड़ी हल्की हल्की महक आने लग जाएगी, जैसे हम हलवे में सूजी को भूनते हैं तो सूजी की महक आती है, इसी तरह हमें बेसन की भी महक आने लग जाती है और कलर भी चेंज हो जाता है भूनने के बाद। तो यहाँ मेरी सिस्टर साथ में थी, मेरी सिस्टर ने साथ में लग के डलवाए थे, तो मेरी सिस्टर बोली, बताती रही, मैं बोली बहन मैं करती रहूँगी, मेरे को तो आता नहीं, आप बता देना मेरे को साथ साथ और मैं करती रहूँगी। तो वो उसने घी डाल वो घी डालती रही थी और मेरे को बताती रही थी कि ऐसे कर ऐसे कर। तो गाइस, सभी का सर्दियों में मन होता, कोई गूंद के लड्डू डालता, कोई गूंद डालता है, कोई बेसन के लड्डू डालता है। सर्दियों में घी खाया जाता है, वैसे तो घी किसी से खाया नहीं जाता। तो सभी बने रहे ब्लॉग में, ज़रूर देखें, स्किप ना करें प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, ब्लॉग को पूरा देखें। या हमारा बेसन भुन गया था, ये देखिए, ये मेरी सिस्टर थी, देखो बिल्कुल भैंस का घी है प्योर, देखो घी से अलग ही पता चल जाता है कि ये घी भैंस का है कि गाय का है या मिक्स है, लेकिन भैंस का प्योर घी था। ये देखिए, और घी के बगैर लड्डू नहीं डालेंगे बिल्कुल भी, ये तो सभी को पता है और सभी डालते हैं। यहाँ देखिए, बेसन को हमने छाना था भाई, ताकि बेसन में कोई छोटा मोटा जो भी कचरा वगैरह जो भी कुछ हो वो बाहर रह जाए। छलनी से बेसन को छानना चाहिए, चाहे वो पैकिंग का बेसन हो चाहे वो खुला हुआ बेसन हो, लेकिन उसको छानना ज़रूर चाहिए। तो यहाँ में छान लिया था, साइड में तसला रख रखा था, वो मांझ के हमारे गांव में हरियाणा में तसला बोलते हैं, आपके वहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताना। तो साथ में भून भून के उसमें निकाल रहे थे हमें सारी बेसन को। ये देखिए, यहाँ मैं छान रही थी, मेरी सिस्टर बता रही थी साथ साथ। तो गाइस, जो भुने हुए चने का, ये देखिए आप देख रहे हो, भुने हुए चने का जो आटा था ना, मेरी सिस्टर बोले कि इसको भी थोड़ा सा और भून लेते हैं, क्या पता कैसा है कैसा नहीं है। मैं बोली ठीक है, तो उसने उसको भी इसमें डाल दिया था, बोली कुछ नहीं पता होता कच्चा है या पक्का है कैसा है, लेकिन तू थोड़ा सा और भून ले। तो हमने बेसन के साथ उसको भी थोड़ा सा और भून लिया था। तो सभी अलग अलग तरीके से बनाते भाई, सबका तरीका हर चीज़ में अलग अलग होता है और सभी का टेस्टी सभी बनाते हैं। मैं किसी को, हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि आप टेस्टी नहीं बनाते, सभी टेस्टी बनाते हैं, सबका तरीका अलग अलग होता है, कोई किसी तरह से बनाता है, कोई किसी तरह से बनाता है। तो हमने तो इस तरह से बनाया था बिल्कुल आपके सामने, तो घी कम रह गया था थोड़ा सा, तो सिस्टर ने और डाल दिया। ये देखिए, रुक जाओ ना, तो कुछ छेड़ियो मत ना लिफ्ट में।
तो देखिए गाइस, यहाँ पे मेरी मम्मी ने डाल दी थी जो बेसन था, हमने सारा भून के तसले में डाल लिया था। इसमें मम्मी ने डाल दी थी खांड, देसी खांड, और इस तरह हमने दाल मखाने, काजू, बादाम, जो भी था भाई ड्राई फ्रूट में जो भी था, सभी को हमने तल के और मिक्सी में ग्राइंड करके डाल दिया था। और फिर मम्मी ने यहाँ पे देखिए, उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई, यहाँ मम्मी ने और मैंने फिर मिलके इसको मिक्स 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 कर दिया अच्छी तरह से। और फिर ये ड्राम में ले ली थी, इसमें लड्डू बना बना के हाथों से ऐसे इसके अंदर डाल दिए थे। तो गाइज कमेंट करके ज़रूर बताना मेरा व्लॉग कैसा लगा आज का आपने, प्लीज़ कमेंट करना, शेयर करना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। आप भी खाइए, लड्डू खाने का मन हो तो घर आ जाना, सभी को लड्डू मिलेंगे दूध के साथ। बाय बाय।